नाउ स्टार्ट के सभी लीडर्स, इन्वेस्टर्स और सभी कार्यकर्ताओं को निरंजन श्रीमाली एमडी श्री नाउ स्टार्ट का प्रणाम। आप सभी लोगों को लास्ट डेढ़ महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। कई कई बार पेमेंट कंपनी ने डाला है, कई कई बार पेमेंट नहीं डाल पी सका। कंपनी थोड़ी सी क्राइसिस में चल रही है अभी और थोड़ी दिक्कतें आई हैं। गवर्नमेंट का भी दिक्कत है और पेमेंट नहीं दे सकी। इसके हिसाब से मैं आप सभी का सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से पूरा पूरा प्रयास है कि कंपनी को आगे चलानी है और उस चलाने के लिए मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। लास्ट 3-4 दिन से एक बड़ी कंपनी के साथ में हम टाइप करने के लिए बैठक ऊपर बैठक कर रहे हैं। सभी लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं, मेरे साथ में मेरी टीम भी बैठी है और सामने जो कंपनी है उसकी टीम के साथ में हम टाइप करने के लिए एक दूसरे का जो हमारी मिलकत, हमारे जो पे आउट है, हमारे साथ में कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोगों को कितना पेमेंट देना है, कितने लोगों इन्वेस्टर हैं और लीडर कितने हैं, सभी का मुआवजा हो रहा है। वो सामने वाले जो कंपनी है वो हमारे सब जो डॉक्यूमेंट्स उसको तपास कर रही है। उसके बाद में हम एक साथ में बैठ के आपके पेमेंट के बारे में सोचने ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, संडे के दिन शाम को जूम में मैं आने वाला हूँ। जूम के अंदर सबको नई सरप्राइज भी देने वाला हूँ और सभी को अपडेट भी देने वाला हूँ। आपने डेढ़ महीने तक पे आउट आया है, नहीं आया है, कई लोगों को मिला है, कई लोगों को नहीं मिला है, फिर भी शांति बनाई रखी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ में अभी 50,000 लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का भविष्य का विचार करते हुए मैं अभी यही कंपनी की ऑफिस पे बैठा हूँ। ऑफिस में स्टाफ भी चल रहा है, काम कर रहा है, ऑफिस चालू है। और अगर किसी को कुछ ऐसी कंपनी आती है कि जो बंद करना है तो एक ही दिन में बंद करके चली जाती है। मैं आपके भविष्य के लिए बैठा हूँ और मैंने जो विज़न रखा है वो विज़न को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मेरी तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है और कंपनी को फिर से नए तौर से और पहले जैसी शुरू करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो उस काम के अंदर हर रोज़ हर बार 50,000 लोगों में से कोई 2,500 वाला, 55,000 वाला ऐसा लोग मेरे को फ़ोन कर करके अभी जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मेरा काम नहीं हो रहा है। आप एडमिन को फ़ोन कर करके जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, इससे एडमिन भी काम नहीं कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबके भविष्य के लिए आपके पैसे चाहिए हैं तो थोड़ा आप सब्र कीजिए। मेरे को पर्सनली फ़ोन करके मेरी बात सुननी है तो मैं ये रिक्वेस्ट करके आप सबको वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ। इसके बाद मैं जूम मीटिंग लगा रहा हूँ, जूम मीटिंग में आके सुन लीजिए। एक एक व्यक्ति को मैं हर रोज़ घर घर जाके ये बता नहीं सकता, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग सब्र रखिए। अभी संडे के दिन में शाम को जूम में आके मैं अपडेट देने वाला हूँ। वो कंपनी हमारे साथ में टाइप करने के लिए रेडी है, टाइप करके सभी का पेमेंट शुरू करना है, मगर देर शुरू करना है मगर एक ही दिन। इसके बाद में शुरू करने के बाद में एक ही दिन वापस ब्रेक ना आए, वैसे काम करने के लिए हमको टाइम चाहिए। आप सभी लोग मेरे को टाइम दीजिए, फ़ोन करके आप मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए और आपके पेमेंट के लिए जो मैं अभी काम कर रहा हूँ उस पर थोड़ा गौर करके उस पर थोड़ा कंपनी की सपोर्ट करने के हेतु से आप थोड़ा सब्र कीजिए। कंपनी आपके लिए बहुत अच्छा काम करने जा रही है और जो विज़न है उससे भी अच्छा विज़न देने जा रही है। हमारे साथ में जो कंपनी टाइप कर रही है उसका विज़न भी अच्छा है, वो भी कंपनी लोगों के लिए काम कर रही है, तो वो पेमेंट देने के लिए तैयार है। हम हमारा एफर्ट लगाने के लिए तैयार है। दोनों कंपनी मिलके एक नया इतिहास रचेंगे और इतिहास रचने के लिए आपको सब्र करनी पड़ेगी। आज संडे के दिन मैं जो जूम मीटिंग में आपको डेट देने वाला हूँ, उस डेट के बाद में कभी कंपनी भी बोल रही है, हम भी बोल रहे हैं। अभी पहले जो बोला है उसके अंदर थोड़ी दिक्कतें आई है, प्लस माइनस हुआ है, उसको नज़रअंदाज करके नई तरह से हम काम करने जा रहे हैं। उसके अंदर हमको सपोर्ट कीजिए और फ़ोन करके ऑफिस पर आके और एडमिन को हैरान करके अब हमारे काम के अंदर, आपके काम के अंदर रुकावट मत डालिए। ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। भारत माता की जय।